एक बार ब्रह्मा जी लोगों का भाग्य बदलते बदलते देखकर हैरान हो गए कि जो मैं भाग्य में लिख रहा हूं, जो विधि का विधान है, वो विधि का विधान कौन ऐसा है जो विधान बदल रहा है? जो इनके भाग्य में लिखा है मैं वही दे रहा हूं, और जो मैं दे रहा हूं ये वो भोग नहीं रहे हैं। जब परेशान हुए, उन्होंने देखा तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। बोले, भोले बाबा ये क्या कर रहे हो आप? भोले बाबा तो भोले बाबा, ब्रह्मा जी विधि के विधान के हिसाब से लोगों का भाग्य दे रहे थे, और लोग वहां भगवान शिव के पास में जाते थे और अपना भाग्य बदल लिया करते थे। कई बार समझाया, नहीं समझ में आया, तो एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि भोले बाबा से बात करने से कुछ नहीं होगा, लाओ चलो पार्वती जी के पास चलता हूँ। तो जब देखा कि भगवान शिव समाधि में बैठे हुए हैं, तो ब्रह्मा जी पार्वती जी के पास आकर के बैठे हैं और बुरी तरह से रोने लगे कि हे भवानी, ये क्या हो रहा है? आपके पति तो पागल हैं बिल्कुल, ये भी नहीं समझते ये किसको देना है किसको नहीं देना है, सदा सभी को देते रहते हैं। बाबरो राबरो नाह भवानी, दान बड़ो दिन देत दए बिनु, वेद बड़ाई भानी। हे पार्वती, ये मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये तो सदा ही दे रहे हैं, बहुत भोले हैं। और जिन लोगों ने कभी किसी को दान देकर बदले में कुछ पाने का अधिकार भी नहीं है, जो किसी अधिकारी नहीं है, ये उन लोगों को भी दे डालते हैं। इससे वेद की मर्यादा टूट रही है, जो कुछ नहीं कर पाए भगवान शिव ने उनके लिए अपने तहखाने खोल दिए, भंडार खोल दिए कि ले जाओ जो लेकर के जाना है। पार्वती जी, आप तो बहुत सयानी हैं, जो अधिकारी नहीं है उनको देकर आपका घर भी खाली हो रहा है। शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी, और जो शिव जी ने जो संपदा लोगों को दे रहे हैं उसको देख करके लक्ष्मी और सरस्वती जी भी सिहा रही हैं कि ये इतनी सारी अकूत संपत्ति आई कहाँ से? भगवान शिव तो बहुत धारी हैं, ये संपत्ति आ कहाँ से रही है? लोगों के पास ये संपत्ति मिल कैसे गई भगवान शिव के द्वारा दी हुई? और जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं विसानी, और उनके साथ क्या कर रहे हैं शिव जी? आपके शिव जी के पागलपन का कारण उन कंगालों के लिए स्वर्ग रचते रचते मेरी नाक में दम आ गया है, मैं उनको कंगाल बनाता हूं। भगवान शिव उनके लिए स्वर्ग का राजा बना देते हैं, उनके लिए नए स्वर्ग बना बना करके मैं परेशान हो चुका हूं। और जब सृष्टि के नियम ही बदलने हैं तो फिर मुझे सृष्टि का निर्माता बनाया क्यों? बहुत बुरी तरह से झड़क करके बोले हैं पार्वती जी से। तो पार्वती जी ने पूछा, कहना क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, यह अधिकार सौंपिए और ही कि भैया ये किसी और को अधिकार सौंप दो, मैं ब्रह्मा नहीं बनना चाहता हूं, मुझे सृष्टि का सृजन नहीं करना है। जो मैं नियम जिसको दे रहा हूं, नियम के हिसाब से जो चीज मैं कर रहा हूं, ये शिव जी बिल्कुल उसका उल्टा कर देते हैं। बोले, ये अधिकार सौंपिए और ही। तो पार्वती जी बोली, तो फिर करोगे क्या? तब ब्रह्मा जी बोले, भीख भलाई मैं जानी। बोले, मैंने तो औरों की तरह से भीख मांग के जीवन जी लूंगा, मैं काहे को इतने टेंशन लूं कि मैं कुछ और करूं, शिव जी कुछ और करें, मैं तो इसी डिप्रेशन में मरा जा रहा हूं कि विधि का विधान खराब हो रहा है, वेदों की मर्यादा तोड़ रहे हैं। शिव जी, तुम जानती हो मेरे अंदर कितना डिप्रेशन है, मैं कितना फ्रस्ट्रेट हो गया। बोले, तो करोगे क्या? बोले, भैया मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, जैसे और लोग शिव जी के पास जाकर के भीख मांग लेते हैं। बोले, मैं भी शिव जी के पास जाकर के भीख मांग लूंगा। तो इस बात को सुनकर के पार्वती जी ने क्या करा?
सुनी विधि की वरवानी, जगत मा तुम सुखानी। बोले ब्रह्मा जी की इन बातों को सुनकर के जगत माँ बहुत मुस्कुराई हैं। माता जानती हैं कि शिव जी कैसे हैं, देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे। देव बहुत बड़े देवता हैं, दाता भी बहुत बड़े हैं और भोले भी बहुत हैं। शंकर आप महादेव हैं, सबसे बड़े हैं, बहुत भोले हैं। और आप करते क्या हैं, किए दूर दुख सबिन के, जिन जिन कर जोरे। और आपने उन उनके दुखों को दूर किया है जिन्होंने साधारण रूप से मन से बेमन से हाथ जोड़ करके बोल दिया, हे भोले बाबा हमारे दुख दूर करो। और उसके ऊपर तो भगवान शिव ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, सेवा समरण पूजवो पात आखत थोरे। जिन्होंने सेवा थोड़ी सी कर दी, थोड़ा सुमरण कर दिया, थोड़ा पूज दिया, किसी ने कोई पत्र चढ़ा दिया, किसी ने बेल पत्र चढ़ा दिया, किसी ने धतूरा चढ़ा दिया, किसी ने कुछ चढ़ा दिया, किसी ने जल चढ़ा दिया, किसी ने जल में एक बूंद दूध की मिलाकर के चढ़ा दी, भगवान उससे और प्रसन्न हो गए। बोले खोल दो पूरे भंडार, ऐसे भगवान है माँ पार्वती जानती हैं। इन बातों को सुनकर के माँ पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं। बोले ब्रह्मा तुम्हें क्या समझाऊं कि महादेव कैसे हैं। जब ब्रह्मा नहीं समझ पा रहा है, बंधुओं हम उन भगवान शिव के इतने बड़े रहस्य को कैसे समझ सकते हैं। आइए हम भी उन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका पूजन मनन और अर्चन करते हैं। इसी के साथ में आप